तीसवें चैप्टर का हम प्रॉब्लम सॉल्विंग देखेंगे। इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ देन प्रूव दैट ईच ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू 4a² प्लस 3c² माइनस 7e² बाई 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2। मतलब ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू प्रूफ करना है 4a² प्लस 3c² माइनस 7e² बाई 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² का पूरे का पावर 1/2। लेट ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू के। हम लोग आगे लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू के, ए इक्वल टू के बी। उसी तरह से सी बाई डी इक्वल टू के, तो सी इक्वल टू के बी एंड ई बाई एफ इक्वल टू के, ई इक्वल टू के एफ। अब यहां दिया हुआ है 4a² प्लस 3c² माइनस 7e² बाई 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 a का वैल्यू के बी पुट करेंगे, के बी का होल स्क्वायर प्लस 3 सी का वैल्यू पुट कर देंगे, के डी का होल स्क्वायर माइनस 7 ई का वैल्यू पुट करेंगे तो के एफ का होल स्क्वायर बाय 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2। 4k² g² प्लस 3k² d² माइनस 7k² f² बाय 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2 इक्वल टू के स्क्वायर। तीनों टर्म में हम लोग कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² बाय 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2। इक्वल टू के स्क्वायर, और ये ब्रैकेट और ऊपर वाला ब्रैकेट दोनों कट जाएगा, इसका पावर हो गया 1/2। इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं के। हेंस ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू, अब के का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 4a² प्लस 3c² माइनस 7f² 7e² बाय 4b² प्लस 3d² माइनस 7f² पूरे का पावर 1/2।